तो देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस में बगावत की जमीन तैयार होने लगी है। बादली विधायक कुलदीप वत्स दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बादली से फिर टिकट देने की उन्होंने मांग की है। वेणुगोपाल ने समझाने की कोशिश की है, दरअसल बजरंग पुनिया को बादली से उतारने की कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है और ऐसे में यहां से कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बादली से वेणुगोपाल जो कि लगातार समझा रहे कि बादली से जो यहां पर कुलदीप वत्स जो सिटिंग एमएलए हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो ये सीट छोड़ दें या किसी भी तरीके की दिक्कत ना करें इस सीट को लेकर, क्योंकि यहां से बजरंग पुनिया को उतारा जा सकता है। कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, कहा जा रहा है कि मुलाकात भी हो चुकी है, सब कुछ सेट हो चुका है, लेकिन बादली से जो विधायक है कुलदीप वत्स वो मानने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन बादली से फिर से टिकट देने की उन्होंने मांग की है और वेणुगोपाल ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की है। एक और बड़ी खबर आपको दे, हरियाणा के लिए कांग्रेस की लिस्ट आज और 39 पेंडिंग सीट पर आज भी मंथन होगा। पेंडिंग सीट के लिए बनाई गई है सब कमेटी। जानकारी ये है कि अलग अलग नेताओं से बात होगी और जितनी भी पेंडिंग अभी तक सीटें हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, जिस पर जो जानकारी मिल रही है कि 39 ऐसी सीटें हैं जिस पर सब कमेटी तैयार की गई है और पेंडिंग सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी, अलग अलग नेताओं से बात की जाएगी। हरियाणा के लिए कांग्रेस की लिस्ट आज आने वाली है। जानकारी इसके साथ ये है कि 39 पेंडिंग सीट जिसको लेकर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है और सब कमेटी इसके लिए तैयार की गई है, अलग अलग नेताओं से चर्चा की जाएगी, किस तरीके से कहां से किससे टिकट देना है, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत कांग्रेस कर रही है। मंथन लगातार कांग्रेस में जारी है, पेंडिंग सीट के लिए सब कमेटी भी कांग्रेस ने तैयार की है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, हरियाणा में गठबंधन की कोशिश जारी है और कांग्रेस आप नेताओं की बातचीत जारी है। दीपक बाबरिया से राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत दोनों के बीच हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में लगातार गठबंधन की कोशिश जारी है और कांग्रेस और आप नेताओं की बातचीत हो रही है। दीपक बाबरिया से राघव चड्ढा की मुलाकात हुई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगातार चर्चा जारी है। हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की जो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो एक दो दिन में वो फाइनल हो जाएगा। नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा, ये चीज़ें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है, मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है। मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है वहां वो बात को ले जाएंगे। तो हरियाणा की सत्ता में 10 साल से दूर कांग्रेस हर वो दाव आजमा लेना चाहती है जिससे वो वापसी कर सके। गठबंधन और टिकट को लेकर मंथन के बीच दिग्गज पहलवानों पर पार्टी दाव लगाने की तैयारी में है, रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के साथ पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों एक साथ राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इसके बाद दोनों ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर जाकर मुलाकात की और फिर इसी के साथ लगभग ये साफ हो गया कि दोनों पर हरियाणा के दंगल में कांग्रेस दाव लगाने जा रही है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी चाहते हैं बजरंग पुनिया झज्जर की बादली सीट से चुनाव लड़े, जबकि सूत्र बता रहे हैं खुद विनेश फोगाट ने अभी अपनी तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। विनेश चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले महीने ओलंपिक में विनेश ओवरवेट होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर हो गई थी, तब उनके पक्ष में देश भर में माहौल बना था। पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली से हरियाणा तक विनेश का जबरदस्त स्वागत हुआ। कांग्रेस इसी क्रेज का सियासी फायदा उठाना चाहती है। दोनों जाट बिरादरी से आते हैं जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। पिछले साल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से वो विपक्षी कैंप में लोकप्रिय हो गयी। कांग्रेस जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, एक तरफ सेलिब्रिटी को साथ लेकर और दूसरी तरफ छोटे दलों से गठबंधन करके सत्ता में पहुंचना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एक दो दिन प्रतीक्षा कीजिए, जो फैसला होगा आपके सामने होगा।
90 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि 7 पे लड़ेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। पार्टी ने कोई फॉर्मूला तो तैयार किया होगा, कितनी सीटों पर आप कम से कम चुनाव लड़ने की कोशिश? देखिए, अगर आप आज की तारीख में हमसे पूछेंगे, हमने पूरे हरियाणा के अंदर रैलियां की हैं, सभाएं की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हो रही, कई दौर की बात हो चुकी है। आज भी दीपक बाबरिया की राघव चड्ढा से मीटिंग हुई। राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। फायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है।